लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक तंगी या भुखमरी की वजह से आत्महत्या करने वाले मामलों का सामने आना लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला यूपी के फर्रुखाबाद में सामने आया। यहां लॉकडाउन के बीच आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि डीएम ने इससे इनकार कर दिया। उनका दावा है कि युवक ने मानसिक रूप से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया। थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव हईपुर में 35 वर्षीय चुन्नीलाल बाथम मजदूरी कर अपने परिवार की जीविका चलाते थे, लेकिन पिछले एक माह से और लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से चुन्नीलाल का काम बंद था। बताया जा रहा है कि चुन्नीलाल रोजगार न होने के कारण अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। इससे आए दिन घर में कलह हो रही थी, जिसके कारण चुन्नीलाल तनावग्रस्त था। यही वजह है कि परेशान होकर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार चुन्नीलाल के घर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, वहीं उसके पास खेत व मकान भी नहीं है। लॉकडाउन से पहले वह बनारस में काम करने गया था, लेकिन लॉकडाउन जारी होने के बाद वापस घर आ गया। बता दें कि चुन्नीलाल शुक्रवार को जब अपने घर नहीं पहुंचा, तो उसकी 7 वर्षीय बेटी सलोनी और 4 वर्षीय बेटा आयुष उसकी तलाश करने निकले। गांव के बगीचे में पेड़ से पिता का शव लटकता देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल मां कमला देवी को सूचना दी। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।